नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों के सामने एक क्लास डी एम्पलीफायर लेके आया, जिसका मॉडल नंबर DT 4000 है, जो बीटा 3 का ओर से आता है। तो ये जो एम्पलीफायर है दोस्तों, ज़बरदस्त है यार, बहुत ही अच्छा एम्पलीफायर है। यहाँ पे सामने देख सकते हो बीटा 3 का लोगो, और सामने एक जाली देखे रखा है, जाली के वजह से एम्पलीफायर को ठंडा रखते हैं। जो नॉब का क्वालिटी है वो भी बहुत ही शानदार है, इतना शानदार है कि इसको घुमाने का टाइम पे आपको क्लास डी ऐसा फील होगा दोस्तों। और बाकी साइड पे देख सकते हो एक पावर ऑन ऑफ का स्विच देखे रखा है, बाकी हैंडल पे भी बीटा 3 लिखा हुआ है। जिस जिसके पास ये एम्पलीफायर है उसको मालूम है सच में यार, एम्पलीफायर होता कैसा है। क्लास डी बीटा 3 एम्पलीफायर कितना अच्छा होता है उन लोगों को मालूम है दोस्तों। और फ्लाइट केस लगाने के लिए दोस्तों यहाँ पे होल देके रखा है हैंडल पे, देख सकते हो हैंडल का साइड पे, ज़बरदस्त एम्पलीफायर है दोस्तों। तो दोस्तों एम्पलीफायर को एक झलक में पूरा बॉडी हम लोग अभी देखेंगे, तो देख ही सकते हो दोस्तों एम्पलीफायर दिखने में कुछ इस टाइप का है। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा दिखने में, जितना प्यारा सा लगता है वो परफॉर्मेंस भी उतना प्यारा ही करता है, ज़बरदस्त लगता है। एक साउंड भाई को जितना एक एम्पलीफायर से आशा करता है, ठीक है, उससे ज़्यादा ये मतलब परफॉर्मेंस दे देता है दोस्तों। तो उसको इसका जो वेट है दोस्तों, 18 से 19 किलो इसका वेट है। तो दोस्तों यहाँ पे एक नट बोल्ट दिखाई दिया, जिसके मतलब राउंड वाला ट्रांसफार्मर वो है। ठीक है, सामने का लुक आप लोग देख सकते हो इस टाइप का है दोस्तों। बाकी एम्पलीफायर का प्राइस भी बताएंगे अभी दोस्तों। हम लोग आ गए हैं पीछे, पीछे दिखेंगे सबसे पहले पावर केबल। पावर केबल का क्वालिटी आप लोग देख सकते हो, बढ़िया शानदार क्वालिटी है दोस्तों। ठीक है, एम्पलीफायर सच में मतलब फ्लाइट केस के अंदर था, फिर इसलिए आपको इस टाइप का दिख रहा है। ठीक है, दो तीन साल हो गया, 2 साल तो हो ही गया दोस्तों, 3 साल छोड़िए, 2 साल हो ही गया, 3 साल चल रहा है। और यहाँ पे पावर ने एक स्विच देखे रखा है, यानी एम्पलीफायर के हिसाब से आप अगर ज़्यादा लोड इस एम्पलीफायर में दे दोगे तो ये बाहर फेंक देगा। ठीक है, तब आपको क्या करना है, एम्पलीफायर का गेन वॉल्यूम को 0 करके, पावर को ऑफ करके, एम्पलीफायर का लोड थोड़ा कम करके फ्रीज इसको प्रेस करना है। और यहाँ पे इनपुट के लिए एक्सेलर मेल आपको इनपुट देना है, लिंक करने के लिए फीमेल करना है। तो दोस्तों आप लोग जो जब निकलने का टाइम पे, यानी इनपुट जैक जब निकलोगे तो उस स्विच को आपको प्रेस करके ही निकलना है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग समझ सकते हो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ दोस्तों। ज़बरदस्त एम्पलीफायर है यार, सच में कब से बोल रहा हूँ ज़बरदस्त ज़बरदस्त है, लेकिन ये हकीकत में ज़बरदस्त, तो मैं क्या करूँ। और यहाँ पे एलोन और लिंक का एक स्विच दे के रखा है, एलोन का मतलब है स्टीरियो और लिंक का मतलब पैरेलल। तो दोस्तों मैं इसको पैरेलल पे चला तो इसलिए लिंक पे रखा हूँ। और दोस्तों सेंसिटिविटी 0.77 वोल्ट पे मैं रख के चलाता हूँ, और जो लिमिटर है लिमिटर मोड 1 पे मैं इसको रख के ऑपरेट करता हूँ। तो दोस्तों एम्पलीफायर में जो मतलब आउटपुट के लिए स्पीक ऑन कनेक्शन दे के रखा है दोस्तों, इसका कनेक्शन आप लोग +1 और -1 में कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों इस एम्पलीफायर में कुछ लिखा हुआ है, बीटा 3 का एक बैंडिंग दे के रखा है, यहाँ पे मॉडल नंबर भी DT 4000 लिखा हुआ है। ठीक है, वोल्टेज यानी लाइट आप कितना वोल्ट दोगे वो भी लिखा हुआ है, सीरियल नंबर यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो दोस्तों एम्पलीफायर में एक देख सकते हो DC फैन लगा हुआ है, DC इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एम्पलीफायर जितना हीट होगा उस हिसाब से ये मतलब घूमेगा। लेकिन इसका RMS पावर को देख के, इसका स्पेसिफिकेशन का देख के आप अगर एम्पलीफायर को मतलब रन करवाओगे दोस्तों तो ये हीट होगा ही नहीं। ठीक है दोस्तों, और इस एम्पलीफायर का प्राइस का बात में लास्ट में करेंगे, और अभी पावर की बात करते हैं। जो ये एम्पलीफायर दोस्तों मतलब 2 ओम्स तो बीटा 3 रिकमेंड करता ही नहीं, 2 ओम्स पे आप लोग इसको रन मत करवाइए। ठीक है, इसका जो RMS पावर का बात करता हूँ तो ये देता है 4 ओम्स पे देता है दोस्तों 2500 वाट, और 8 ओम्स पे देता है दोस्तों 1500 वाट, यानी 1200 वाट का मतलब ड्यूएल वाला दो बेस चला सकते हो। ठीक है, और 1500 वाट का
सिंगल वाला दो वॉइस आराम से चला सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम और कोई भी दिक्कत नहीं आया दोस्तों, ठीक है। कभी भी इसको मतलब मैकेनिक के पास लेके गया ही नहीं दोस्तों, ठीक है। ज़बरदस्त एम्पलीफायर है, पकड़ने में भी मज़ा आता है, उठाने में भी आपको मतलब फील होगा, ठीक है, ज़बरदस्त फील होगा उठाने में, उठाने के टाइम पे वेट कम है दोस्तों। मैं पर्सनल ओपिनियन आपको लोगों को दे रहा हूँ, ठीक है, आप लोग कहीं से भी खरीदें, ठीक है, लेकिन एम्पलीफायर ज़बरदस्त है, आप लोग एक बार ट्राई कर कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो प्राइस है दोस्तों, इसका प्राइस आपको पड़ जाएगा 38,000 पड़ के आसपास पड़ जाएगा, यानी 38,000 के आसपास दोस्तों एम्पलीफायर आपको मिल जाएगा। एम्पलीफायर को और एक बार थोड़ा देख लेते हैं, देखिए ज़रा, बहुत प्यारा सा लुक को देखने के लिए मिलेगा, ज़बरदस्त है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों को इस टाइप का वीडियो देखने में कैसा लग रहा है, ठीक है, मेरा पहले का वीडियो मतलब बाई मिस्टेक डिलीट हो गया था, तो आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, ठीक है, कि मैं बहुत सारा मतलब जितना हो सके मैं एम्पलीफायर का रिव्यू आप लोगों को करता जाऊंगा। तो तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।